वाले छत्तीसगढ़ में इस बार भंडार ऐसा भरा है भंडा कि खरीदी का नया कीर्तिमान बन गया है। कर्ज माफी से लेकर 2500 रुपए समर्थन मूल्य का असर किसानों पर ऐसा हुआ कि खेती छोड़ चुके किसान फिर से खेती करने लगे। इसी का नतीजा है कि सरकार ने 83 लाख तक मैट्रिक टन धान खरीदा। यह सब कुछ कैसे संभव हुआ, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। ये तस्वीर बदलते छत्तीसगढ़ की है, ये तस्वीर गर्वो नवा छत्तीसगढ़ की है, ये तस्वीर किसानों के लिए एक नए छत्तीसगढ़ की है, ये तस्वीर है धान के कटोरे वाले छत्तीसगढ़ की, उस छत्तीसगढ़ की जहां एक साल पहले तक किसानों के जो हालात थे बेहद खराब थे, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए थे, किसान कर्ज में डूबे हुए थे, किसानों का खेती से मुंह भंग हो रहा था, लेकिन भूपेश सरकार के एक साल के भीतर ही किसानों की तमाम विपरीत परिस्थितियां अब खुशहाली में बदल गई हैं। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का कर्ज माफ किया, 25 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी की। इसका असर किसानों पर इतना व्यापक हुआ कि किसान खेती की ओर वापस लौटे, बड़े पैमाने पर धान की खेती की बम्फर पैदावारी हुई और 2019 में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का एक रिकॉर्ड बन गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आंकड़ों की जानकारी पिछली सरकार की तुलना करते हुए कुछ इस तरह से देते हैं। हमारे कार्यकाल में दोनों साल आप देखेंगे 18-19, 19-20 में जहां 16,98,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके विरुद्ध 15,71,000 किसानों ने धान बेचा और 19-20 में 19,55,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके विरुद्ध 18,20,000 किसानों ने धान बेचा। इसका अर्थ यह है कि पिछले साल 92.5% किसानों ने धान बेचा और इस साल 93.11%, जबकि उसके शासन काल में आप देखें 12-13 में 68%, 13-14 में 71%, 15-16 में 83%, 16-17 में 87% और 17-18 में 76%। छत्तीसगढ़ सरकार ने वास्तव में धान खरीदी का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है, बीते 19 बछर में ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। एक नज़र इस उपलब्धि पर। राज्य सरकार के मुताबिक 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का था अनुमान, 83 लाख मीट्रिक टन धान की हुई जब तक खरीदी, 19,55,000 किसानों का हुआ था पंजीयन, 18,45,000 से अधिक किसानों ने बेचा धान, किसानों को अब तक 14,500 करोड़ का हो चुका है भुगतान, बीते वर्ष 80 लाख मीट्रिक टन धान की हुई थी खरीदी, बीते वर्ष 15,71,000 किसानों ने बेचा था धान। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं किसानों को आगे बढ़ाने का सरकार काम कर रही है, 14,000 करोड़ का भुगतान अब तक किसानों को किया जा चुका है, हमने इस बार 18 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की है, ये भी एक रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ के किसानों से भाजपा सरकार छल करती थी, कांग्रेस सरकार किसानों को समृद्ध करने में जुटी है। जो धान खरीदी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके छत्तीसगढ़ में इतिहास में पहली बार इतना रिकॉर्ड धान खरीदी हुआ था, जहां किसानों को सीधे उनके खाते में 14,000 करोड़ रुपए तीसरे या चौथे दिन मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था इस प्रदेश में किया है, हमारी प्राथमिकता किसान है, किसानों के लिए योजना बनाया है और लाभ हम किसानों को देना चाहते हैं। वैसे भूपेश सरकार किसानों को लेकर कितनी संवेदनशील है या उनके लिए लिए गए निर्णयों से स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। धान खरीदी के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम मार भी दी थी, बेमौसम बारिश से खरीदी प्रभावित थी और किसान परेशान हुए। किसानों को टोकन मिला लेकिन वे समय पर धान नहीं बेच पाए, नतीजा कुछ किसानों के चेहरे पर चिंता और उदासी छा गई। मुख्यमंत्री ने किसानों के दर्द को महसूस किया, सरकार ने कहा किसान चिंता न करें, जिन किसानों के पास टोकन है सरकार उनका धान खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की और तत्काल अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। वास्तव में
इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीते एक साल में छत्तीसगढ़ में किसानों की दशा बदली है। किसान खुशहाल और समृद्ध नजर आए हैं। इस साल हुई रिकॉर्ड धान खरीदी से भी प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है। भूपेश सरकार की सोच के अनुरूप नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के रास्ते पर सरकार ही नहीं किसान भी चलते दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में किसानों की बदौलत खड़ा होगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं कोटा बिलासपुर की, जहां पर